हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग है मिंत्रा साड़ी हॉल, और जो हमने बहुत सारी साड़ियाँ ली हैं, मैं उनको वन बाय वन दिखाऊंगी। तो फर्स्ट साड़ी जो है वो है ये, इसका ब्रांड मैं बताती हूँ आपको कौन सा है। अरे बापरे, इस पे तो कुछ लेबलिंग ही नहीं है, इस पे कुछ लेबलिंग नहीं है, मैं आपसे देख के बताऊंगी। ये इंडिगो प्रिंट की साड़ी है, बिल्कुल कॉटन है। ये कैमरे पे बहुत ब्राइट दिख रही है, इतनी ब्राइट है नहीं ये, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मैं इसको धोऊंगी तो इसका बहुत सारा कलर जाएगा, बट ये दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। इसको ब्लैक ब्लाउज के साथ मैं मैच करके पहन सकती हूँ। और इसमें ये जो साइड में ना, ये सिल्क है, पूरे में है, ऑल ओवर है दोनों तरफ है इनफैक्ट। तो और इसका जो पल्लू है वो कुछ इस तरीके का है ऐसे, बस बाकी सब जगह एक ही प्रिंट। अच्छा, अगली साड़ी है ये साटन की साड़ी, इसको भी मैं ब्लैक ब्लाउज के साथ ही स्टाइल करूंगी, इनफेक्ट क्रॉप टॉप के साथ। तो मैं दिखाती हूँ इसको, इसका मटेरियल साटन है, शायद पतला वाला साटन जो धोने से भी खराब नहीं होता ना वो। ओ, ये साटन का बहुत पतला, जैसे बहुत पतला सा साटन है, पहन के भी ना आपको अच्छा फील होगा, एकदम लाइट सा अच्छा है ये साड़ी भी, अच्छी लगी मुझे। लाइक इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये साड़ी साड़ी है, इसलिए ये जो थोड़ा सा प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है ये जो है ना। तो मैं बताती हूँ इसका ब्रांड क्या है, तीखी इमली, ये तीखी इमली की साड़ी है, और ये प्यारी लग रही है वैसे तो, अभी डेप करके पता चलेगा कैसी लग रही है। ओके, दो साड़ियाँ हो गई ना, तीसरी साड़ी ये है, इसका ब्रांड है। ये मम्मी के लिए ही ली है, इस पे ये कॉटन मिक्स है, मतलब पूरा कॉटन नहीं है, इसका कलर नहीं जाएगा अगर हम इसको धोएंगे ना, इसका कलर, इसका इसमें एक ब्लाउज है और ये इसका बॉर्डर है, मतलब ये बहुत बेसिक सी है, बिल्कुल बेसिक, अच्छी लगी तो अच्छी लगी। ठीक है, एक ये वाली साड़ी है, ये हमने ना सीरियल्स में देखी थी बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसे बंद गले का ब्लाउज पहन के, गोल्डन कलर का या रेड कलर का, और इसके ऊपर ये फ्लावर प्रिंट है। मुझे ये देखना पड़ेगा, ये गोटा इन्होंने पूरे में दिया है या नहीं दिया है। हाँ, पूरे में गोटा नहीं है, सारी सारी देखते हैं। ये ऐसे है, ऐसे आएगा ये, ठीक है, ये ठीक है, ये अच्छी लग रही है वैसे तो। और ना सबसे अच्छी बात, इसका धुल के भी इसको मैं घर में इजी में भी धो सकती हूँ, मोर ओवर इसका कलर भी नहीं जाएगा, और इसमें थोड़ी सी शाइन भी है, तो छोटे मोटे फंक्शंस में ना पहन सकते हो इसको, किसी के घर कीर्तन में जाना है या वैसे ना, तो ये अच्छी लगेगी। एक मैंने ये वाली, ये सबसे मेरी फेवरेट है जो अभी तक की मैंने साड़ियाँ खरीदी हैं, इसमें ना ये छोटे छोटे टसल्स हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और इसमें पूरे में सीक्वेन का वर्क है, जैसे ये लाइनें लाइनें हैं। डर बस इस बात का लग रहा है मुझे कि जैसे ये वाली साड़ियाँ कहीं अटक जाती हैं ना, तो पूरी की पूरी लाइन ही जाएगी सितारों की, जैसे इधर ना ये कैसे दिखाऊं, ये थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पीछे जो है बड़े बड़े टांके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये अटक जाए तुम किसी पार्टी में जाओ तो, बट ये सच में बहुत प्यारी लगेगी, बहुत ज़्यादा सुंदर, नाइट के फंक्शन में तो बहुत ही सुंदर लगने वाली है, ठीक है ना। इसका ब्लाउज ये कॉन्ट्रास्ट में आया है ऐसा वाला, बट मैं तो इसको वाइट शर्ट के साथ ट्राई कर सकती हूँ, वाइट इसके साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। पांच हो चुकी हैं, इसके अलावा मैंने फुटवेयर्स भी मंगाए थे,
ये विशुद्ध के हैं और इनमें ना हील भी है। हमें क्या होता है कि मार्केट में जाते हैं ना तो ये वाली जो स्टाइल की चप्पलें होती हैं ना वो फ्लैट में ही मिलती हैं, बट मुझे चाहिए होता है हील में, अच्छी हील हो। थोड़ी सी हील मिलती है मार्केट में ना ये, लेकिन अच्छी लग रही है काफी अच्छे से। और ये तकरीबन 600 रुपए की आई है। That's it. Thank you.